आज हमारे एक और भी मरीजा स्टूडेंट का इजाफा हो गया है। मेरे दोनों कोई गंदी टोकरी जिसमें ये डालूं। है नहीं, कोई छोटी सी टोकरी है वहां से थैला। हाँ ये ठीक है। और ये भी ले आओ, और ये ग्लास अभी है। मेरे मरने की जो इलामत है वो हमेशा पढ़ने से बढ़ता जाता है, जितना पढ़ू उतना बढ़ता जाता है। जब छोड़ दू तो फिर अचानक खामोशी आ जाती है। आंख के ऊपर जो है ना जोर, उससे ताल्लुक है इसका। इसमें होम्योपैथिक दवा कौन सी है खास? एलिम्सिपा मुझे लग रहा है। यूफ्रेजिया में वो इलामत नहीं है जो आंखों का जलाना और सुरख, इसका लगला अंदर गिरता है जब एलियम सीपा का, तो जला वो काटता है और खारिश पैदा करता है। आज सुबह से मुझे भी एलियम सीपा का ख्याल आ रहा है, क्योंकि एलियम सीपा का क्रॉनिक है एल्यूमिना। जब मैंने एल्यूमिना खाई थी तो फायदा भी हुआ था और अंदर से नाक की तरफ मुंतकिल हुआ था, इसलिए मालूम होता है कि एलियम सीपा मुझे ट्राई करके देखना चाहिए। जब पहले कभी की नहीं बनाओ एलियम सीपा है। अगर एलियम सीपा दवा हो तो छाती के भी वो टेक केयर करेगी, यानी उसका भी ख्याल करेगी, गले का भी और नाक का भी। और अगर वैसे नाक को उसको दबा दिया जाए नजर को किसी चीज से, तो फिर वो कोई ना कोई और क्रॉनिक शक्ल इख्तियार कर लेता है, मुस्तकिल खराश गले की या छाती की तकलीफ, या बाद बार बार एक जोर मारता है नजर। ये अलामत है इस बात की कि मरज ठीक नहीं हुआ था बल्कि उसको आजी तौर पर दबाया गया है। मेरा ये जो सिलसिला शुरू हुआ वो वहां से हुआ है, कनाडा से। कनाडा में एक माजरीन का खाना ऐसा मिला जिससे एकदम बड़ी सख्त एलर्जी हुई। वहां चूंकि मेरे पास दवाओं का डब्बा सफरी था, उसमें जो जरूरत की थी वो नहीं थी उस वक्त। मैंने फिर विटामिन सी पर जोर देकर उससे ठीक किया उसको। विटामिन सी बड़ी इफेक्टिव है नजरियाती बीमारियों में, लेकिन वो होम्योपैथिक नहीं है। वो तो एक विटामिन ऐसी है जो डिफेंस सिस्टम को उसके लिए आवादा करनी तैयार करती है, खुश कर देती है नजरे को बड़ी जल्दी। बाद दफा इतनी जल्दी खुश करती है कि शदीद सरदर्द शुरू हो जाती है, मगर खुश्की की इलामत है। बाद में जितनी भी खसखस की खांसी, हल्की खुश्की, ये खराश, ये सारी खुश्की की इलामत थी। तो अब अपना मैं स्टडी कर रहा हूँ आस्ते आस्ते ताकि आप सबको फायदा पहुंचे। और अब नजला होकर मुझे वो छाती की जो कल थी, कल और परसों, उसमें बिल्कुल आराम आ गया है। और मामूली कभी गले में खांसी की ख्वाहिश पैदा होती, बहुत मामूली, मगर बोलने के बावजूद नहीं हो रही, लेकिन पढ़ने से नजला ज्यादा हो रहा है। तो हो सकता है एलियम सीपा ये इन सब मूड पर बेहतर असर अंदाज हो। खा के देखेंगे, आपको बताएंगे फिर अगले हफ्ते बारी आएगी।